नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। हमने कुछ समय से, आपने देखा होगा, 3-4 वीडियो जो हमने बनाई थी वो लॉजिक गेट्स पे थे और हम उसको समझ रहे थे। आज हमने जो डिसाइड किया है वो ये डिसाइड किया है कि हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि कंपटीशन में भी आते हैं और आपके 12th क्लास के एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। तो हम आज कुछ जो मॉडल क्वेश्चंस हैं, सैम्पल क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं 10-12, उनको हम क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो फर्स्ट प्रॉब्लम सेट, फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये, इसमें ये लिखा है कि आपको एक यहाँ सर्किट बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया था आपको ये जो है नॉट गेट होता है और ये जो सिंबल है आपका वो बेसिकली ये और गेट का है और ये आगे अगर पॉइंट लगाए तो नोर गेट का सिंबल हो जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसमें आइडेंटिफाई द इक्विवेलेंट गेट। पहले तो आपको इसका एक इक्विवेलेंट गेट पता लगाना है कि कौन सा गेट है। फॉलोइंग द सर्किट एंड राइट इट्स ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ट्रुथ टेबल निकाल लेंगे और ट्रुथ टेबल के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये कौन सा गेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रुथ टेबल निकालने का बहुत ही बेसिक जो फंडामेंटल्स जो फंडा होता है वो ये होता है कि आप सिंपली ए और बी ले लेंगे जो इनपुट्स हैं और उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ जो होती हैं, हमारे बाइनरी वैल्यूज़ वो पुट करेंगे। बाइनरी वैल्यू या तो 0 या 1 होता है, तो दो सेट 0-0 हो सकता है, राइट, मैंने बताया था, 0-1 हो सकता है, 1-0 या दोनों पे 1-1 होता है। ठीक है, फिर क्योंकि ए और बी दोनों पे ही नॉट गेट लगा है, जिसकी जो नॉट गेट के बाद जो वैल्यू आएगी वो ए बार और नीचे बी बार आ जाएगी, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ए बार और बी बार आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आप उसको पहले लिख लेंगे, ए बार और बी बार को लिखेंगे तो आपको पता है कि 0-0 का उल्टा 1-1 हो जाएगा, 0-1 का 1-0 हो जाएगा, सिमिलर इसको 0-1, इसको 0-0 आप ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपको जो वाई आपका आउटपुट आएगा वो होगा क्या, वो बेसिकली और गेट लगाएंगे ए बार और बी बार का और फिर इसको नॉट, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है तो इसका मतलब सिंपली यही है कि आप इसको उल्टा कर देंगे। ओके, ये सिंपल सा एक लॉजिक होता है। तो वाई फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ए बार और बी बार के जो भी इनपुट्स हैं उनको हम और करेंगे और फिर उसका उल्टा कर देंगे। तो और करेंगे 1-1 का तो आपको 1 आएगा और उसका उल्टा हो जाता है 0, राइट। लाइक इज 1 और 0 का 1 होता है, उसका उल्टा फिर से 0 हो जाता है, 0-1 का 1 होता है, उसका उल्टा 0 हो जाता है, और 0-0 का होता है 0 और उसका उल्टा जो होगा वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि आपके पास जो, अगर इनपुट हम देखा ए और बी को अगर हम देखते हैं और वाई जो आपके पास आउटपुट आ रहा है उसको देखते हैं, तो आपको पता चल रहा है कि 1 केवल हमारा तभी आ रहा है जब हमारे दोनों इनपुट्स जो हैं ए और बी में 1-1 होते हैं, अदरवाइज 0 आता है। आपको पता है ये जो प्रॉपर्टी होती है वो बेसिकली किसकी होती है, वो एंड गेट की होती है। तो आपके पास हम ये कह सकते हैं कि ये जो सर्किट दिया वो एंड गेट का दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा तरीका इसको फाइंड आउट करने का ये भी हो सकता है कि आप इनके जो भी इस वैल्यू जा रही है इसके अंदर उसको सिंपली हम ऐड करेंगे और उसका नॉट लगा देंगे। तो आपको पता है इसमें जो वैल्यू जा रही है इसके अंदर वो आपको ए बार और बी बार जा रही है क्योंकि यहाँ और गेट लगा हुआ है और फिर उसका नॉट है, राइट। तो आप बेसिकली दोनों को प्लस करेंगे और फिर उसको एक और बार लगा लेंगे, तो ये आपका वाई आ रहा है बेसिकली, राइट। तो होता क्या है हमारे पास, जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री लगाते हैं, राइट, तो होता क्या है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री दोनों में आता है, प्लस का मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है और अगर वहाँ मल्टीप्लिकेशन है प्लस में चेंज होता है। तो इसमें क्या होगा कि ए के ऊपर ऑलरेडी बार है और एक बार यहाँ से आएगा, राइट। ऐसे बी के केस में होगा, ये बी बार है और उसमें एक और बार यहाँ से आएगा, तो ये हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हम लिख सकते हैं अगर डबल या 2 times हमारे पास किसी भी वैल्यू को हम कंट्रेरी कर देते हैं या उल्टा कर देते हैं, ओके, अपोजिट लिखते हैं, तो वापस हमें वही वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि ए के ऊपर अगर डबल बार है तो दैट बिकम 1, मीन्स ए, एंड बी के ऊपर डबल बार है तो दैट बिकम बी। तो बेसिकली ए बी जो लॉजिक होता है वो कौन से गेट का होता है, दैट इज़ द लॉजिक फॉर एंड गेट। तो ये भी एक तरीका है निकालने का। दूसरा तरीका मैंने बता दिया कि आप ट्रुथ टेबल निकाल के भी कर सकते हैं, राइट। अच्छा, सेकेंड जो आपको नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन, अगर प्रॉब्लम सेकेंड देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ द लॉजिक गेट गिवन पे। तो अब यहाँ आपको पता है ये जो लॉजिक गेट है वो बेसिकली XOR गेट का है, ओके, एक्सक्लूसिवली XOR गेट, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर आपको इसके ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप जो हमारी प्रीवियस वीडियो है आप उसको देख सकते हैं, तो उसमें हमने XOR और X NOR गेट को बताया है हमने। तो हम इसमें बेसिकली हमने यही बताया था कि अगर आपके पास दो इनपुट्स ए और बी हैं, राइट,
ए और बी अगर दो आपके इनपुट्स हैं तो आपका जो वाई आउटपुट होगा, अगर आप जोर गेट के बारे में बात कर रहे हैं, जोर गेट के बारे में, तो अगर दोनों में 0-0 होगा या दोनों पे 1-1 होगा तो उस केस में हमारे पास जो वाई आउटपुट होता है वो 0-0 आता है। अगर इनमें कोई भी वैल्यू डिफरेंट होगी, अनलाइक वैल्यू होगी, मीन्स अगर 0 है और बी में मान लीजिए 1 होता है, और ए में 1 है और बी में मान लो 0, मतलब डिफरेंट इनपुट वैल्यूज़ होती हैं ए और बी में, तो हमारे पास जो आउटपुट होता है वो 1-1 होता है। तो ये जो ट्रुथ टेबल होता है वो जोर गेट का होता है, तो हम लिख सकते हैं कि ये जोर गेट का आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लॉजिक गेट बता सकते हैं, दैट इज़ द लॉजिक गेट ऑफ अ जोर एंड ट्रुथ टेबल, ये हमने लिख दिया है। फर्दर डिटेल के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप मेरी प्रीवियस मतलब जो वीडियो है जिसमें जोर गेट और एक्सक्लूसिवली नोर गेट के बारे में बताया, तो आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो मैंने ये लिखा है, आप इसे इजीली देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे इसको सर्किट डायग्राम को, तो प्रॉब्लम 3 में जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है इन द सर्किट शॉन बिलो। तो ये आपको सर्किट दिया हुआ है, ए एंड बी रिप्रेजेंट टू इनपुट्स, दो इनपुट्स आपको दिया हुआ है ए एंड बी, राइट, एंड सी रिप्रेजेंट द आउटपुट, सी आपको आउटपुट दिया हुआ है, सर्किट रिप्रेजेंट। तो सर्किट किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्किट और को, नोर को, एंड को, नैंड को। तो आप सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी बैटरी लगी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए इनपुट 0-0 देता हूँ तो वाई पे जो इनपुट आएगा दैट इज़ 0, क्योंकि कोई भी आउटपुट, क्योंकि यहाँ ये जो आपके पास है ये ग्राउंड किया हुआ है, ग्राउंड इज़ ऑलवेज 0 वोल्ट, ओके, सपोज 0 है, और यहाँ पर अगर हम 0-0 देते हैं तो वी सी वुड बी 0। ऐसे अगर मैं ए और बी को दोनों को ए 1-1 देता हूँ तो दैट शुड बी 1 बिकॉज ये 0 है, तो यहाँ आपको 1 मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा अगर मान लो एक को 0 लिखता हूँ, इसको भी, तो कहने का मतलब ये है अगर मैं ए को 0 लिखता हूँ, बी को 1 लिखता हूँ, तो यहाँ तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन 1 से यहाँ की तरफ करंट फ्लो करेगा और यहाँ एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो वो सी के इक्वल हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं इस पॉइंट को सपोज पी पॉइंट मान लेता हूँ, तो पी पॉइंट पे कोई पोटेंशियल जो होगा वही पोटेंशियल सी का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल है कुछ भी ड्रॉप नहीं हो, मतलब ड्रॉप तो होगा लेकिन करंट क्योंकि यूँ चलेगा, और मान लीजिए यहाँ पर 0 है, ए 0 है और बी हमारा 1 है, तो करंट बेसिकली यूँ फ्लो करेगा, राइट। तो यहाँ ओबियसली कुछ पोटेंशियल होगा और वो पोटेंशियल यहाँ जाएगा तो ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा, मान लीजिए यहाँ 5 वोल्ट पोटेंशियल है, राइट। तो इसमें अगर इसका रेजिस्टेंस आर है तो इसमें कुछ ऐसी करंट फ्लो करेगी जो यहाँ पर आगे 0 हो जाएगी, ओके। तो ये करंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें कितनी होगी, लेकिन पॉइंट सी पे जो पोटेंशियल होगा वो वही होगा जो पॉइंट पी पोटेंशियल है। तो पॉइंट पी पे 5 है तो आपको यहाँ पर वैल्यू 5 मिलेगी, यानी कि 1। तो बेसिकली ये जो गेट है वो और गेट का, ये जो प्रॉपर्टी है वो और गेट की आपको नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है कि अगर हमारे पास दोनों 0 है तो आपको 0 मिलेगा, इन दोनों में से कोई भी अगर 1 है तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी सी की, यानी कि 1 मिलेगी, और अगर दोनों 1 है तो ऑब्वियसली यहाँ जो वैल्यू होगी वो 1 ही होगी, क्योंकि हाईएस्ट जो है हम 1 ही वैल्यू ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द और गेट। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर वो ए होना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम 4 को देखते हैं, इसमें आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स दिया हुआ है, शॉन बिलो यील्ड्स। तो आपको क्या क्या ये बताता है, क्या फॉर्म होता है, क्या यील्ड हो रहा है, आपको गेट बताना है, नैंड गेट है, और गेट है, नॉट या जोर गेट है। तो बहुत सिंपल है, अगर आप देखेंगे ये जो गेट है हमारे पास, ये जो गेट है ये एक नैंड गेट है ना, आपको नज़र आ रहा है नैंड गेट, लेकिन अगर मैं इसको जस्ट दोनों इनपुट्स को जो कि नैंड गेट में जा रहे हैं उनको जस्ट मैं शॉर्ट कर देता हूँ, तो इसके मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो दैट बिकम बेसिकली नॉट गेट। तो बेसिकली नॉट गेट ही है, और ये आपका नैंड गेट है, राइट। तो आपने देखा कि अगर मैं ए दे रहा हूँ और यहाँ ए, क्योंकि उल्टा नॉट गेट एज एन नॉट गेट ही है, तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो ए बार आएगा, लाइकवाइज जो नीचे आउटपुट आएगा बी का उल्टा आ जाएगा, दैट इज़ बी बार, ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग दिस दीज टू नैंड गेट्स विच आर बिहेविंग राइट नाउ एज अ नॉट गेट, राइट। तो ए बार और बी बार जो है एज एन इनपुट आपके पास इस वाले जो लास्ट नैंड गेट है इसके अंदर जाएगा, और मैं बताया क्योंकि ये नैंड गेट है तो बेसिकली पहले एंड करेगा फिर उसका नॉट करेगा, तो एक्स जो आपके पास आउट आना चाहिए वो होना चाहिए कि जो आपका इनपुट है ए बार और जो बी बार है, क्योंकि एंड करेगा फर्स्ट और फिर उसको नॉट करेगा, तो एंड होने का यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लॉजिक होता है एंड गेट का,
और फिर उसको नॉट करेगा, यानी कि ऐसे, क्योंकि ये नैंड गेट है, राइट। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जब ऐसा होता है तो ये जो बार होता है वो दोनों में आ जाएगा। तो ए बार ऑलरेडी है इसमें, एक बार यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बी में भी हो जाएगा, बी बार, राइट। और ये मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज हो जाएगी। तो ए जब टू टाइम्स होता है तो दैट बिकम्स ए एंड दैट बिकम्स बी। तो ये जो आउटपुट है, ये जो लॉजिक है, वो बेसिकली OR गेट का है। तो आप कह सकते हैं कि जो आंसर है वो इस केस में बी होना चाहिए, राइट। बहुत ही सिंपल है, इसको हम लॉजिक मतलब ट्रुथ टेबल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी मतलब थोड़ा लंबा हो जाएगा, और आपके पास कंपटीशन एग्ज़ाम में थोड़ा कम मार्क्स होता है। तो मैं मतलब पहले मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, आप यहाँ देखें, इसमें मैंने दोनों तरह से बताया था, एक तो ट्रुथ टेबल के माध्यम से या तरीके से मैंने बताया था आपको ट्रुथ टेबल से, और सेकंड मैंने तरीका बताया था आपको बूलियन अलजेब्रा, जो ये सेकंड मेथड से बूलियन अलजेब्रा है। तो लाइकवाइज मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि इस क्वेश्चन को आप बूलियन अलजेब्रा से करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आपके पास बूलियन जो लॉजिक है, ये OR गेट का लॉजिक होता है, तो आंसर बी होना चाहिए, राइट। वेरी सिंपल। सो लेट अस मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसको देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन में बहुत, अगर आप देखेंगे, बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, लेकिन इसका लॉजिक जो है वो बहुत ही सिंपल है। लॉजिक वैसा ही है जैसे हम पहले जो हमने किया है, उसी तरह से हम इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको आप खुद भी कर सकते हैं, वैसे मैं कर देता हूँ इसको। तो आप इसमें करेंगे क्या, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ए आपका ये है, ये नैंड गेट है, राइट। ओके, ये नैंड गेट है, तो नैंड जैसे बिहेव करता है वैसे ही बिहेव करेगा, राइट। बस इसमें ये ध्यान रखना है आपको, जैसे ये सेकेंड, ये मिडल में जो नैंड गेट लगा है, इसके पॉइंट पे जो इनपुट आउटपुट आएगा वो दोनों अगले जो नेक्स्ट नैंड गेट है उसके इनपुट की तरह होगा, दोनों में सेम इनपुट जाएगा, राइट। ए और बी ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, तो इसका हमें ट्रुथ टेबल निकालना पड़ेगा, और उसको फिर हम यहाँ लगाएंगे, फिर ऐसे करके हम इसको करते जाएंगे, राइट। तो लेट अस कंसीडर करते हैं, मान लीजिए आपके पास ये जो गेट है नैंड गेट, इसका इस पे जो इनपुट्स हैं वो, एक तो इसका इनपुट आ रहा है, तो इसका इनपुट मान लीजिए एक्स है, राइट। तो यहाँ से जो नैंड गेट आएगा उसमें ए और एक्स हमारे पास आता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए और बी दो इनपुट्स ले लेने हैं। तो आप मान लीजिए मेरे पास ए ले लिया और मैंने एक बी इनपुट लिया है, राइट। तो ऑब्वियसली जो इनपुट होंगे वो 0 0 0 1, राइट, 1 0 और 1 1 है, बहुत ही सिंपल है। तो फर्स्ट मैं जो फाइंड आउट करूँगा वो मैं x फाइंड आउट करूँगा। तो अगर मैं x फाइंड आउट करता हूँ तो मेरे पास इसमें जो वैल्यू आएगी वो क्या आनी चाहिए, जो फर्स्ट नैंड गेट का आउटपुट होगा वो बेसिकली a और b की जो ट्रुथ टेबल है उसके हिसाब से आएगा। तो नैंड गेट सिंपली आपको पता है दोनों को एंड करता है, उसके बाद उसका उल्टा कर देता है। तो बेसिकली आपको ए और बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन यू हैव टू कन्वर्ट, मतलब कन्वर्ट, और यू कैन से इन्वर्ट द वैल्यू। इफ इट इज़ जीरो दैट बिकम वन, वन बिकम जीरो। सो एंड इसका करेंगे 0 0 का, दैट बिकम जीरो, उसका उल्टा 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, दैट बिकम 1, 1 1 का 1 होता है तो दैट बिकम 0। सो आपका एक्स आ जाएगा, ओके। सो लाइकवाइज मान लीजिए ये फर्स्ट, ये जो आपका नैंड गेट है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, इसके अंदर जो आउटपुट है मान लीजिए वो y1 आता है, राइट, और इसका जो आउटपुट है वो y2 आता है। तो आप फाइंड आउट हमें क्या करना है, आपको बेसिकली y1 करना है। तो y1 का जो आउटपुट होगा वो x और a का नैंड होगा, ठीक है। तो x आपका ये है और a आपका ये है, तो इसका नैंड करेंगे, तो वही एंड करके उसका उल्टा कर देंगे। तो इसका 1 होता है, उसका उल्टा हो जाता है, सॉरी, एंड इसका 0 होता है तो उसका उल्टा हो जाता है 1। लाइकवाइज ये भी 1 हो जाना चाहिए, ये आपका 0 हो जाएगा, राइट, और ये 0 होता है, दैट बिकम 1, राइट। ऐसे ही आपने क्या निकालेंगे, y2 निकालेंगे। तो y2 जो है नैंड होगा, वो भी x का होगा, और आपके पास पर वैल्यू इनपुट आएगा b, तो x और b का होगा, ठीक है। तो दैट बिकम, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 1 0 1, एंड दैट इज़ ऑल्सो 1, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल आउटपुट आएगा वो y है, जो अगेन नैंड है y1 और y2 का। तो आप इसको नैंड कर लेंगे y1 y2 को,
तो दैट बिकम ज़ीरो। तो ये हमारे पास एक आउटपुट आ गया है, और अगर इस आउटपुट को देखेंगे तो बेसिकली ये आउटपुट आपका ज़ोर गेट का आउटपुट है। ओके, ज़ोर गेट की ट्रुथ टेबल होगी, क्योंकि ये जो होता है आउटपुट वो ज़ोर गेट का होता है। मैंने आपको पहले जब ज़ोर गेट बता रहा था तब भी मैंने बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब भी आपके पास दो इनपुट 0-0 होंगे या उसकी हाईएस्ट वैल्यू 1-1 होगी, तो हमारे पास अगर आउटपुट 0-0 आता है तो ये ज़ोर गेट का होता है करेक्टरिस्टिक्स। और अगर मान लीजिए आपके पास डिफरेंट वैल्यू है, यानी कि अनलाइक इनपुट्स हैं, यानी कि 0-1 या 1-0 है, तो आपके आउटपुट 1-1 होना चाहिए। तो आप देखेंगे इसका आउटपुट आंसर जो है वो ए है, ए इसका आंसर होना चाहिए। राइट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो लेट अस नाउ मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। तो अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे। तो अब सिक्स्थ क्वेश्चन को देखिए आप, ये सिंपल ही है क्योंकि हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन करे हैं, और बूलियन अलजेब्रा का यूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, आपको पता है ये और गेट है, ये नॉट गेट है, ये आपका एंड गेट है। राइट, तो आपको वाई निकालना है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये जो और गेट का आउटपुट है, ठीक है, जो ए और बी का आ रहा है, उसको मैं एक्स मान लेता हूँ, और ये ऑब्वियसली नॉट गेट का जो है वो बी बार है। राइट, और ये एंड बन रहा है, तो वाई आपके पास क्या है, बेसिकली एंड है एक्स और बी बार का, एंड है मीन्स एक्स डॉट बी बार हो गया। राइट, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स बेसिकली और है, किसका और है, ए और बी का, तो और मीन्स ए प्लस बी। राइट, और इसको आपने एंड कर दिया है बी बार के साथ। ओके, तो अब इसको अगर हम करेंगे तो इसमें क्या वैल्यू आती है, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें जो भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं एज एन आउटपुट, तो आपको ए ऑप्शन से मैच करके है, देखिए ए प्लस बी और इनटू में बी बार आ रहा है। राइट, और कोई भी ऑप्शन इसे मिल नहीं रहा है, तो वेरी सिंपल, हमने इसको सिंपली आउटपुट निकाल लिया है। तो ऐसे ही हम सेवन्थ क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। द लॉजिक सर्किट गिवन इन द फिगर परफॉर्म द लॉजिक ऑपरेशन, आपको एक ऑपरेशन दे रहेगा, तो कौन सा कर रहा है, बहुत सिंपल है इसमें। देखिए आपको इस वाले गेट को देखना है जो आपका मेन गेट है, ये आपका और गेट है, तो और गेट में जितने भी इनपुट्स होंगे उसको प्लस कर देता है। राइट, तो आप देखेंगे इसमें नॉर्मली हम पढ़ते आए हैं कि और गेट में दो इनपुट्स होते हैं, लेकिन इसमें कितने इनपुट दे रखे हैं, तीन इनपुट दे रखे हैं, और दो भी और गेट के बाद जो आउटपुट आ रहा है, लेट अस से एक्स आ रहा है, उसको उल्टा कर दिया गया, तो उल्टा का मतलब एक बार लग जाएगा। ठीक है, तो वाई हमारे पास आएगा वो आएगा एक्स का बार। राइट, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि एक्स क्या है, तो एक्स बेसिकली समेशन है, समेशन किसका है, एक तो ए का जो यहाँ से वैल्यू आ रही है बी और सी से, देखिए ए की वैल्यू जो यहाँ तक पहुँचती है वो ए बार बन जाती है, बी एग्जैक्टली बी आता है, और सी जो है यहाँ पर आ रहा है सी बार बन जाता है। एक्स जो आउटपुट है वो बेसिकली क्या है, इन सब का सम है, क्योंकि ये और गेट लगा हुआ है, तो आप करेंगे जो एक्स हमारे पास है उसको लिख देंगे ए बार प्लस बी प्लस सी बार। राइट, क्योंकि y जो आउटपुट है वो x x का बार है। राइट, तो आप इन सब के ऊपर एक बार लगा देंगे, और मैंने आपको बताया था इंडिविजुअली a b जो भी इसके इनपुट्स होते हैं उन सब के ऊपर बार लग जाता है, तो a बार ऑलरेडी इस पे एक और बार लग जाएगा, जो प्लस है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, तो b के ऊपर b बार आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और c के ऊपर डबल बार आ जाएगा। ठीक है, तो दैट बिकम्स a दो बार बार होता है, तो दैट बिकम्स सिंपल, बार हट जाएगा, b बार वैसे ही रहेगा और सी हमारे पास आएगा, तो आप देखेंगे ये लॉजिक हमारे पास आ गया, तो ये जो आ रहा है आप देखेंगे सी के साथ मैच हो रहा है। राइट, और भी कोई भी ऑप्शन इसके आसपास नहीं है। राइट, तो इसका आंसर सी है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू दी एट प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है, एट्थ जो मैंने आपके सामने रखा है। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, इसी तरह से जो हमने किया है वैसे हम कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको कैसे करना है, इसको ट्रुथ टेबल के माध्यम से करना है, ट्रुथ टेबल के हिसाब से करना है, और बहुत ही सिंपल है जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, सिंपली
हमारे पास दो हैं, अगर आप ध्यान से देखें, एक तो ये एंड गेट है और दूसरा एंड गेट ये है, ठीक है। तो इसके हम वाई थ्री वाई फोर निकालेंगे और वाई निकालने के लिए इन सबको जस्ट ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा कौन सा गेट लगा हुआ है, एक और गेट लगा हुआ है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वाई थ्री और वाई फोर निकालना है इस केस में, क्योंकि ये जो है ए आपका एग्जैक्टली डायरेक्टली आ जाएगा ऊपर वाले में, और यहाँ जो आएगा वाई टू आएगा, वाई टू बेसिकली ए बार है, सॉरी बी बार है, क्योंकि ये नॉट गेट लगा है, बी से जो इनपुट आ रहा है वो इधर आते समय बी बार हो जाता है। सिमिलरली जो वाई वन आपको वैल्यू दिया हुआ बेसिकली यहाँ से ये आ रहा है, ए की उल्टी वैल्यू है, यानी कि कन्वर्ट इन्वर्ट है, यानी कि ए बार है, राइट। तो ए बार और बी सीधा आ जाएगा तो वाई फोर हो जाएगा। तो बेसिकली आप करेंगे क्या, आप ए और बी दो इनपुट ले लेंगे, राइट। मैं लिख रहा हूँ, जो ध्यान से देखिए, जीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन, वन ज़ीरो, वन वन, ये एक सिंपल हायरार्की है जिसको हम लिखते हैं इसी तरह से। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो वाई टू है, वाई टू कुछ नहीं है, बी का उल्टा है, राइट। और जो वाई थ्री है, सॉरी वाई वन है, वो ए का उल्टा है, ठीक है। वो सिंपली हमने दिखाया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। तो आप जस्ट सिंपली वाई और इनका उल्टा कर देंगे, तो बेसिकली आएगा वन वन, तो दैट बिकम वन ज़ीरो, देन ज़ीरो वन, देन ज़ीरो ज़ीरो, राइट। एंड देन यू नाउ हैव टू कैलकुलेट वाई थ्री एंड वाई फोर। तो आप सिंपल है इसके अंदर, और देन वाई, तो वाई थ्री हमारे पास जो है वो एंड है ए और बी बार का, दिख रहा है ए और ये वाई टू, वाई टू इज़ बी बार, तो बी बार और ए का एंड है जो आपके वाई थ्री है, राइट। तो आप बेसिकली एंड कर देंगे, तो ज़ीरो वन का एंड ज़ीरो होता है, सिमिलरली ज़ीरो वन अगेन इज़ ज़ीरो, तो ओनली वन वन जहाँ होगा वहीं पर वन वन कहीं है नहीं एक्चुअली, है ना। लेट मी सी फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, राइट, ठीक है। तो इसमें ये ज़ीरो आ जाएगा, एंड लगा आपको निकालना है, ठीक है। सो दैट इज़ ज़ीरो, अगेन ज़ीरो, एंड ओके अगेन इज़ ज़ीरो, करेक्ट। सिमिलरली नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज़ वाई फोर, वाई फोर इज़ नथिंग बट द एंड ऑफ ए बार एंड बी, तो ए बार इज़ दिस y1 and b is this, so just you have to add multiply these two, so that becomes 0, again multiply 0, so that is 0, again 0, and I think every value is 0. Now you just have to add, right? Okay, if I'm not mistaken, I think that should be NAND gate, right? That should be NAND gate. So for calculating y3 you have to do the AND and then convert it, right? So these values should be basically 1 1 1 1 1 1 and y would be 1 1 1 1, right? Okay, so these two value should be calculated. I think nothing of these is matching, okay? So just you have to multiply these two and then add, right? Okay. Okay, ठीक है। तो इसको हम इजीली कर सकते हैं, तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा। इसको आप थोड़ा अच्छी तरह कर लीजिएगा, ज़ीरो ज़ीरो का ज़ीरो वन है, वन ज़ीरो वन का वन ज़ीरो है, ठीक है, वन ज़ीरो का ज़ीरो वन हो गया, वन वन का ज़ीरो ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो आपने जब y3 निकाला, तो अगर y3 हम एंड करते हैं तो आपका a डायरेक्ट आ गया और b बार आ गया, तो a डायरेक्ट आ गया, b बार आ गया, इधर वो एंड किया तो दैट इज़ ज़ीरो, देन एंड किया ज़ीरो, एंड ज़ीरो, एंड ज़ीरो, सिमिलरली दिस इज़ ऑल्सो ज़ीरो, ठीक है। तो आपके यहाँ पर कोई भी देखेंगे यहाँ मैच नहीं करेगा, तो एक्चुअली इसमें कोई e ऑप्शन हो है नॉन, तो नॉन इज़ द ऑप्शन, ठीक है। ऐसे हम नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसमें हम बूलियन अलजेब्रा का यूज़ करना है और आपको वाई आउटपुट निकालना है। तो इस केस में आप देखेंगे हमारे पास ए दिया हुआ है, पहले इन दोनों गेट को हमें देखना है, एक तो गेट ये है जो कि डी है, दूसरा आपका पास ये है एंड गेट है, दोनों के दोनों एंड गेट है, और देन उसका ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर जो आ रहा है वो बी का उल्टा आ रहा है और ए सिंपली आ रहा है, ऐसे यहाँ पर ए का उल्टा आ रहा है और बी सिंपली आ रहा है, दोनों का एंड हो रहा है,
और उसका ऐड हो रहा है, राइट। तो हम कह रहे हैं पहले एंड निकालेंगे, तो इसका आउटपुट मान लीजिए वाई वन है, इसका आउटपुट वाई टू है और उसके बाद वाई है। तो वाई बेसिकली क्या है, एडिशन है वाई वन वाई टू का, तो वाई वन प्लस वाई टू है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे वाई वन क्या है, वाई वन जो है इसके अंदर एक तो ए आ रहा है और एक आ रहा है बी, बी का उल्टा आ रहा है, ठीक है। तो वाई वन इज़ नथिंग बट एंड ऑफ ए बार, तो ए एंड बी बार, राइट, एंड है तो मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस। ऐसी वाई टू हमारे पास क्या है, वाई टू हमारे पास एंड है दिस वन, ये देखिए ए का उल्टा हो गया यहाँ पर ए बार, और बी हमारा सीधा आ गया, ठीक है। तो ए बार इंटू बी इनका एंड हो रहा है सिंपली, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो इससे मैच कर रही है वैल्यू, आप देखेंगे ए बी बार प्लस ए बार बी, वो डी वाली वैल्यू, ठीक है, और कोई इसमें मैच नहीं कर रही, ठीक है। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड देखिए टेंथ क्वेश्चन आप बहुत ही सिंपल है, इसको आप समझ सकते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट वाई इन द फॉलोइंग सर्किट, आपको एक सर्किट दिया हुआ है जैसे कि हम इसमें तीन इनपुट्स हैं ए बी एंड सी, व्हेन ऑल द थ्री इनपुट्स ए बी सी आर फर्स्ट जीरो एंड देन वन। तो आपको कह रहा है कि अगर जीरो आपके पास ए बी जीरो है, बी भी जीरो है, सी भी जीरो है, तो इनपुट आपके पास जो वाई आउटपुट होगा वो क्या होगा। आप देखेंगे अगर दोनों ए एंड जीरो है तो इसका जो आउटपुट यहाँ आएगा हमारे पास, मान लीजिए वाई वन है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि एंड है, ओके, और यहाँ पर आपको जीरो जा ही रहा है सी, ठीक है। तो ये इसका क्या करेगा, पहले एंड करेगा तो दैट बिकम जीरो, और क्योंकि फिर नॉट है, ठीक है, नैंड गेट है बेसिकली, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा देन उसका उल्टा करेगा, तो जीरो को जीरो मल्टीप्लाई करने पे दैट बिकम जीरो और उसका उल्टा होता है वन। तो पहली जो वैल्यू आएगी वन, तो आप देखेंगे इसका या तो डी हो सकता है या ए होता है। तो सेकेंड जो आपके पास है वो कहता है कि ए अब मान लीजिए वन वन हो जाता है, बी भी वन हो जाता है, सी भी वन है, तो उस केस में क्या होता है, आप देखेंगे ऐड होगा, तो एंड होने पे वाई की वैल्यू जो आएगी वाई वन की वो आ जाएगी वन, ठीक है, और सी भी आपका वन आ रहा है, और क्योंकि ये क्या है आपके पास एंड गेट है और फिर उसका उल्टा है यानी कि नैंड गेट है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दैट बिकम वन और उसका उल्टा होता है कितना होता है, तो दैट इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो आप देखेंगे वन एंड ज़ीरो आपके पास आउटपुट आएगा, तो आपके पास जो वैल्यू आना चाहिए दैट इज़ डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो हमने लॉजिक गेट में अभी तक हमने क्या किया है, ट्रुथ टेबल बनाने सीखा, लॉजिक गेट देखा कैसे वर्किंग करता है, बूलियन अलजेब्रा को कैसे यूज़ करना है हमने वो देख लिया, सर्किट डायग्राम डिफरेंट जो सर्किट्स हैं उसके अंदर कैसे हम लॉजिक गेट्स को यूज़ करेंगे। तीसरा एक ये आता है कि वेव फॉर्म हमें दिया होता है, ठीक है, और हमें जो आउटपुट की वेव फॉर्म बनानी होती है, कई बार एक दूसरे तरीके से कह सकता है कि आउटपुट की वेव फॉर्म भी देगा इनपुट भी दे देगा और फिर वो पूछेगा कौन सा गेट है, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या है, तीनों जो बेसिक गेट्स हैं और नैंड गेट, जोर गेट, एक्स नोर गेट और दूसरे जो सिंपल गेट्स हैं सारे पता होना चाहिए, नैंड और नोर गेट और ट्रुथ टेबल हमें पता होना चाहिए उसका, ठीक है। तो उसे हम बता देंगे कि क्या होता है, जैसे हमें 11th क्वेश्चन में दिया हुआ है, द फॉलोइंग फिगर शोज द इनपुट वेव फॉर्म, ए और बी का वेव फॉर्म दिया हुआ है, ये जब भी ऊपर है तो उसको वन मानिए, जो नीचे है उसकी वैल्यू जीरो मानिए, ठीक है, जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ, तो नीचे है तो जीरो जीरो, लाइकवाइज ये वन है दैट इज़ ज़ीरो, ये वन है दैट इज़ ज़ीरो, ये वन है दैट इज़ ज़ीरो, दैट इज़ वन, आउटपुट आपका ये जीरो है, ये वन है, वन है, वन है, ज़ीरो है, वन है, वन है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है अगर आप इसको ही देखेंगे, ठीक है, तो आपके पास ए और बी है, ठीक है, तो अगर ज़ीरो ज़ीरो है तो आप देखिए ज़ीरो ज़ीरो कहाँ आ रहा है, इनपुट में ज़ीरो ज़ीरो आ रहा है तो आउटपुट कितना आ रहा है, वन आ रहा है, तो वाई आपके वन आ रहा है, ठीक है, सिंपली नजर आ रहा है। ज़ीरो और वन को ढूंढिए कहाँ पर है इस डायग्राम के अंदर, फिर वन ज़ीरो को ढूंढिए, फिर वन वन को ढूंढिए, तो आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप देखेंगे अब ज़ीरो वन का है, यानी कि जब ए ज़ीरो है और बी वन है, तो ए ज़ीरो है देखिए ये वाला है, ए ज़ीरो और बी हमारा वन है, तो आप आउटपुट क्या आ रहा है, वन आ रहा है, तो ये वन आ गया, राइट। अच्छा ऐसी ए अगर हमारा वन है और बी ज़ीरो है तो हमारा आउटपुट कितना आता है, तो ए अगर हमारा वन है, ठीक है, और बी हमारा ज़ीरो है, ए हमारा वन है, ओके, और बी हमारा ज़ीरो है, तो ये देखिए इसमें भी वन आ रहा है, तो आपको वन आ गया, ठीक है। और देखिए जब दोनों वन है तो दोनों वन देखिए यहाँ पर है, ए और बी वन है, जीरो आ रहा है, वन वन जहाँ भी होगा ये देखिए ये जीरो आ रहा है, तो यहाँ पर इसका जीरो आ रहा है आउटपुट। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल हमें वेव फॉर्म से ही मिल गई, ठीक है। और ये ट्रुथ टेबल अगर आप ध्यान से देखेंगे ए और बी की वैल्यूज़ आने पर आउटपुट आपके पास देखिए क्या आ रहा है, इस तरह की आउटपुट आ रही है। तो ये किस टेबल की हो सकती है, मतलब किसकी हो सकती है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये फाइंड आउट हो जाएगा। आपको ध्यान से अगर आप देखेंगे
राइट, तो बहुत ही ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको पता है अगर हम NAND गेट फाइंड आउट करते हैं या AND गेट देखते हैं, तो AND गेट की जो ट्रुथ टेबल होती है वो दोनों इनपुट अगर मतलब जब 1-1 होता है तो 1 होता है, अदरवाइज सब 0 होता है। अगर जैसे इसका उल्टा कर दें तो NAND गेट की वैल्यू, तो NAND गेट की अगर टेबल होती है तो NAND में क्या होता है, AND का उल्टा होता है। अगर AND गेट की आप टेबल बनाते हैं तो इनपुट अगर ए बी आपके पास 0-0 है, 0-1 है, 1-0 है, 1-1 है, तो आपके पास जो वाई आउटपुट आता है वो आता है, एंड गेट की बात कर रहा हूँ, तो सारे जीरो आते हैं एक्सेप्ट लास्ट वाला। और मैंने आपको बताया जो नैंड गेट होता है वो एंड का उल्टा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ 0-0 है वहाँ 1 आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आ रहा है, और जहाँ 1 है वो 0 हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो ट्रुथ टेबल है या ये जो फॉर्म है वे फॉर्म है किस क्या है, वो एंड गेट का हमारे पास आ गया, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं करा, हमें जस्ट पता चला है कि एंड का ये ट्रुथ टेबल होता है, और क्योंकि इसका जस्ट उल्टा आ रहा है तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि नैंड गेट का होना चाहिए। ऐसे और गेट के भी हम देख सकते हैं। तो लेट अस जस्ट मूव टू दी 12th क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशन, राइट। फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे आपको ये एक सर्किट दिया हुआ है छोटा सा, ये दोनों नॉट गेट हैं, ये आपको एक नोर गेट दिया हुआ है, और है और फिर ये नॉट है, राइट। तो नोर गेट हो गया और ये उसकी वेव फॉर्म दे रही है ए और बी की। तो फाइंड आउट करने को क्या कहता है कि आपको फॉर्म द आउटपुट वेव फॉर्म एज वाई, तो वाई का एक आउटपुट वेव फॉर्म हमें बनाना है, ठीक है। तो वो बनाने के लिए सबसे पहले इसका ये सर्किट डायग्राम कैसे बिहेव करता है आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये है क्या, ठीक है। तो आप देखेंगे कि y अगर आप लिखते हैं तो सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा का लिख लीजिए, तो फाइंड आउट हो जाएगा कि किस तरह से बिहेव करेगा, राइट। तो आपको पता है a ये नॉट लगा है दोनों के अंदर, a और b के आगे, तो यानी कि यहाँ से जो आउटपुट आएगा नॉट गेट के बाद वो a बार हो जाएगा, ये b बार हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास और गेट है, तो और गेट हो जाएगा और उसको फिर उल्टा करना है, तो क्योंकि नॉर है तो आपको बेसिकली करना है ए बार और बी बार दोनों को ऐड करेगा और गेट, और क्योंकि नॉट लगा हुआ है कि नॉर गेट है ना, तो एक और एक बार आ जाएगा, तो इसमें हो गया ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ए डबल बार प्लस का हो जाएगा मल्टीप्लाई और बी डबल बार। तो आप देखेंगे डबल बार जब भी होता है तो ए सिंपली आ जाता है, बार हट जाते हैं, बी फिर से बार हट जाएगा और एंड आ जाएगा। तो बेसिकली ए इंटू बी का है ये, तो लॉजिक ये किसका है, एंड गेट का है, राइट, एंड गेट का है। तो हमें यहाँ पर जो वेव फॉर्म बनाएंगे वो ए एंड गेट के हिसाब से बनानी है, और एंड गेट की आपको ट्रुथ टेबल पता है क्या होती है, कि जब भी ए और बी होता है तो आपका जो आउटपुट होता है एंड गेट का 0-0 का 0 होता है, 0-1 का 0, जस्ट मल्टीप्लाई करके जो आता है वही उसकी आउटपुट आता है, 1-0 होने से 0 होता है और 1-1 होने से ही 1 होता है। एंड गेट में सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी 1-1 होता है तभी 1 आता है, अदरवाइज 0 होता है, ठीक है, सिंपल लॉजिक है। तो आप देखेंगे जो अगर y का आउटपुट बताएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो है इनपुट वो 1-1 है, ये 0-0 है, ये 1 है, 1 है, ये 0 है, ये 0 है, यहाँ पर ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, तो आपका जो आउटपुट आएगा 1-1 का 1 होता है। तो मान लीजिए ये 0 है, ठीक है, और ये लेवल 1 का लेवल है, ठीक है। तो जब 1-1 है तो 1 आ गया, देखेंगे 0-0 है तो 0-0, आपको बेसिकली करना है जब भी 1-1 है तो आपका 1 आएगा, देखिए यहाँ पर 1-1 है, ये 1 आ गया, ओके, बाकी दो यहाँ पर बाकी कहीं नहीं है, तो बाकी में 0 आना चाहिए, राइट, ऐसे करके। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, जब हमारे पास 1-1 है तो 1 है, 0-0 ही रहेगा, 0-1 0 रहेगा, 1-0 0 रहेगा, 1-1 पे 1 हो गया, ठीक है। जब 0-0 है तो 0 रहेगा, 0-1 होने से भी 0 ही रहेगा, तो सिंपली ये आपका आउटपुट आ गया वाई का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को बताएं कि वो भी इन वीडियोज़ को देखें, इनको शेयर करिए, लाइक करिए, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। और आपका कोई भी डाउट इस टॉपिक पे है, इवन 12th क्लास का किसी भी टॉपिक पे, तो आप हमें बताइए, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है हमें बताइए। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।